एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये वीकली रीडिंग्स होने वाली है आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं आप लोगों के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं कि ये पूरे वीक में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। फीलिंग्स और एक्शंस भी देखेंगे, लव रीडिंग भी करेंगे और जो छोटी मोटी चीजें दिखेंगी वो हम जो है वो भी चेकआउट करेंगे। आप लोगों को ज्यादा डिटेल और डेप्थ की रीडिंग्स रिक्वायर्ड होती है तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स को चेकआउट कर सकते हैं। सेप्टेम्बर मंथ की ऑलरेडी मैंने पोस्ट करी है रीडिंग्स, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे कि राशि के अनुसार पोस्ट की थी, ठीक है। सो आपको एवरी मंथ जो होगी वो डिटेल रीडिंग होती है और जो वीकली होती है उसे हम शॉर्ट में जो है डिस्क्राइब करते हैं। सो इस रीडिंग में हम फीलिंग्स भी देखेंगे, एक्शंस भी देखेंगे, लव रीडिंग्स भी करेंगे और मोस्टली वही हमारा मेन टारगेट होगा, जो छोटी मोटी चीजें हैं वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा ये रीडिंग जो है 3 सितंबर से 9 सितंबर तक के लिए एप्लीकेबल होगी। मून साइन, सन साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार, लग्न राशि, राइजिंग साइन, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। एक एक करके सारी राशियां मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, आप लोग जो है चैनल पर बने रहे आज पूरे दिन में, एक एक घंटे में, एक एक घंटे की गैप में एक एक राशि अपलोड होती रहेगी, ठीक है। सो हम लोग जो है रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं और मैं चाहूंगी आप जल्दी से अपने इष्ट देव या अपने ईश्वर का ध्यान कर ले। सो अब बारी है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए 3 to 9 सितंबर उनकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। 4 to 9 वृश्चिक राशि यूनिवर्स गाइड करे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, हीरोपेंथ, ओके। स्कॉर्पियो राशि वालों, आप लोगों के लिए हफ्ता तो बहुत अच्छा है। इस टाइम फ्रेम में आपको कोई अच्छी कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, अगर कोई कॉल या कोई मैसेज का वेट कर रहे थे, ये मैं करियर वाइज कह रही हूँ, करियर और जॉब अपॉर्चुनिटी में अगर कोई ऑफर का वेट कर रहे थे तो कोई अच्छा ऑफर आ सकता है इस टाइम फ्रेम पे। आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और आप काफी एक्टिव और फुल ऑफ एक्शन नजर आएंगे। यहाँ पर आप क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अपने भाग्य को बदलने के लिए काफी ज्यादा प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जॉब में आप अपने टास्क को पूरा करेंगे, प्रोजेक्ट्स पूरे करेंगे, बिजनेस में भी अच्छे खासे आउटकम्स देखे जाएंगे, फुल चैलेंजेस को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम फ्रेम में आप, हो सकता है कि घर में या ऑफिस के कहीं कोई प्लेस पे कोई पूजा पाठ भी करवाएंगे। यहाँ पर मुझे पूजा पाठ दिखाई दे रही है, या कोई पूजा पाठ भी हो सकता है करेंगे इस टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आपके एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी स्पिरिचुअल लेवल पे आप काफी ज्यादा खुद पे फोकस भी करेंगे और आप काफी ज्यादा मास्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि काफी लोगों को गाइड भी करेंगे, कंसल्ट करते हुए लोगों को बहुत ज्यादा काइंड ऑफ मोटिवेशन देते हुए, लोगों को हेल्प करते हुए, हील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये टाइम फ्रेम वो है जहां पर आप एक हीलर की तरह नजर आ रहे हो। सकता है आप खुद एक रीलर में हीलर है या आप कोई टीचर वगैरह है, ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी काउंसलिंग से ऐसा दिखाई दे रहा है आप काफी लोगों को हेल्प कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम में आप अपने फैमिली को लेकर काफी फोकस्ड रहेंगे, फैमिली पे भी बहुत ध्यान देते नजर आ रहे हैं और अपने लिए आप अच्छे से बात करेंगे। कोई भी लोग अगर आपके लिए आसपास स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने लिए जो है डिफेंसिव एक्ट क्रिएट करते नजर आ रहे हैं। इस टाइम पे आपके कुछ बहुत ही एक्शन सडन भी हो सकते हैं, थोड़ा सा हो सके तो कोई भी एक्शन जल्दबाजी में मत लेना, सोच समझ कर लेना, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सडनली आप कुछ बहुत बोलते ना बड़े बड़े फैसले ले लोगे और बाद में उसके लिए कई सोचना, मतलब पछतावा ना हो जाए, इसलिए थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद ही कोई भी एक्शन लो, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप सडन भी कोई एकदम से फैसला ले लोगे और बाद में परेशान ना हो जाओ उस चीज के लिए। यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप रोमांटिक नहीं रहेंगे, आप लव वर्क पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, आपका ध्यान पूरा पूरा प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अपने करियर और फाइनेंसेस पे रहेगा। सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखेंगे उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या होंगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है। इसलिए आप इस टाइम फ्रेम में ना लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनते हुए मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हो। वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे, मे बी अ बेस्ट फादर, मे बी अ बेस्ट हस्बैंड, मे बी अ बेस्ट मदर, बेस्ट वाइफ, कुछ भी जो भी प्रोफाइल्स है सब में बेस्ट बनने का प्रयास रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखने का प्रयास रहेगा। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो इस वक्त, लोग आपको सुनना समझना पसंद करेंगे। यूनिवर्स मुझे पता है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स 3 to 9 सितंबर, उनके पार्टनर की फीलिंग्स 3 to 9 सितंबर क्या होंगे। एक सेकेंड यार, पेज ऑफ
टू ऑफ कप्स जजमेंट एस ऑफ कप्स सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं इस बार पे राशि वाले, बहुत ज्यादा मिस करेंगे, बट स्टिल मिस करने के बावजूद मुझे आपको अप्रोच करते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको इस वक्त अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी कमी का एहसास इन्हें काफी ज्यादा होता नजर आ रहा है। इनमें काफी ज्यादा परिवर्तन भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे काफी स्ट्रांगली अवेकनिंग दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। कुछ स्ट्रांग रियलाइजेशंस आपके पार्टनर को होते हुए नजर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, जिसकी वजह से वो परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटीज उनके परिवार के प्रति ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, उनकी फैमिली के प्रति वो ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, अपनी मदर या उनके मे बी अगर मैरिड है तो मैरिज पे बेसिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी जो लाइक होते ना जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रायोरिटीज है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे इस वक्त। इनकी लाइफ में ये इस वक्त इमोशनल भी बहुत रहेंगे, इमोशनली खुद के साथ सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक सेल्फ लव अपने आप में प्यार करने के लिए अपने आप को फोकस करने का प्रयास करेंगे, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। इस टाइम फ्रेम में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस जरूर करेंगे, लेकिन अगर आपके पार्टनर सिंगल है तो वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज ये कुछ नए प्रस्तावों की ओर देखते नजर आएंगे, कोई नए ऑफर्स। सिंगल है या डेट वेट कर रहे थे अगर आपको आइडिया है इसके बारे में तो चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये कोई न्यू ऑफर देखेंगे, न्यू प्रपोजल्स देखेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी को मतलब कहीं ना कहीं बेहतर बनाने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर करने की कोशिश करेंगे इस वीक। इस वीक ये कहीं ना कहीं इनकी प्रायोरिटीज बदल जाएंगी, इनकी फैमिली की तरफ, इनके बच्चों की तरफ, इनके परिवार की तरफ इनका काफी फोकस होगा, और साथ ही साथ या तो ये नए मैरिज प्रपोजल्स की ओर देखते नजर आएंगे। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर मैरिड है आपके पार्टनर के लिए पॉसिबिलिटी है, सभी के लिए नहीं, पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर कंसीव करेंगे इस हफ्ते, बेबी कंसीव कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि भले वो नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट में, पर यहाँ पर बेबी आने के चांसेस क्लियरली दिख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शंस क्या होने वाले हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर के, एक्शंस क्या होंगे इनके लिए 3rd to 9th September। स्कॉर्पियो राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे, सिक्स ऑफ कप्स टू ऑफ पेंटिकल्स थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कंफ्यूज होने वाले, बहुत ज्यादा इस वीक आपके पार्टनर आपके आपको लेकर बहुत ज्यादा उलझे नजर आएंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके मन में क्या है। वो अपनी जिंदगी में दूसरे ऑफर्स को भी देखेंगे पर कहीं ना कहीं वो उलझे नजर आएंगे, दूसरी तरफ प्रायोरिटीज तो देख रहे हैं पर वो काफी कंफ्यूज रहेंगे, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि उनको आपके साथ रह मतलब आपका वेट करना है या ये रिलेशनशिप में कुछ चीजें वर्क करेंगी या नहीं करेंगी, काफी उलझनों का सामना करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे इस हफ्ते। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीक ऐसा दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूजन रहेगी और उन्हें ऐसा लगेगा, गलत फहमियां बहुत होंगी इस वक्त आपके पार्टनर को। अब गलत फहमी है या सच वो तो आप ही ज्यादा जानते हैं, बट आपके पार्टनर को क्लियरली ऐसा लग रहा है कि आप किसी और पे ज्यादा फोकस्ड है, आपका ध्यान किसी और व्यक्ति पे ज्यादा है और आप अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से बैकआउट करने की कोशिश करेंगे। इन्हें लगेगा कि आपकी जिंदगी की सोच विचार प्रायोरिटी सब कुछ बदल रहा है और इसकी वजह से आपके पार्टनर अपनी फैमिली और बाकी चीजों पर फोकस करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मन ही मन कंफ्यूजन बहुत होगी इनके अंदर, बहुत कश्मकश में होंगे, जो भी चीजें हैं उसमें जगल करेंगे। स्पेशली सिंगल है तो इनके पास ऑफर्स भी हैं, लेकिन उन ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसे रहेंगे कि पता नहीं वो ऑफर्स एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं, ये अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा उलझे हुए कंफ्यूज से एनर्जी में नजर आएंगे। अपने आप पे भी फोकस करेंगे बट ऑन दी अदर हैंड इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ रहेगा, बार बार इनको ध्यान आपका रहेगा और ये कंफ्यूज रहेंगे कि इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना है कि नहीं, ये बेसिकली इस रिलेशनशिप से निकलने का प्रयास करेंगे इस समय, इस रिलेशनशिप से निकलने का। और उसका रीजन अगेन मैंने कहा ना, इन्हें लगेगा आप किसी जिंदगी में आपकी जिंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है या किसी और पे आप इंटरेस्टेड हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके लिए अप्रोच बनाने की जगह अपनी जिंदगी में सब कुछ बदलते हुए चेंजेस लाते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए, उनके लिए मुझे बताएं एडवाइस क्या है फॉर दिस वीक 3rd to 9th September, एडवाइस क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एम्परर स्ट्रेंथ, आपकी जिंदगी में आपको अब तो वैसे ही ऑलरेडी प्रैक्टिकल हो काफी ज्यादा, लेकिन आपको थोड़ा सा ना देखो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि सब कुछ एंड हो गया, अब एक नया स्टार्ट का एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है,
मेक श्योर करो कि आपने जो फैसला लिया है उस पर आप टिक कर चलो, आप बार बार अपने फैसले को मत बदलो। मतलब आप जो भी डिसीजन ले चुके हैं अब तक, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपने डिसाइड कर लिया है, आप कंफ्यूज नहीं हो, जो भी डिसीजन आपने लिया उस डिसीजन पर आप टिके रहे, बार बार उधर से फ्लक्चुएट मत करें। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि पेशेंसली चीजों को ठीक होने का मतलब एक समय दे आपके लिए, पेशेंसली चीजें लाइफ में जो भी थोड़ी बहुत जो अकेलापन या एक नाराजगी या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो पेशेंसली ठीक होने दें। और यहाँ पर चीजों को ना बड़ा प्यार से भी हैंडल करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स कर रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपके लिए कोई व्यक्ति बहुत महत्व रखता है तो उसे प्यार से समझाने की या प्यार से एक्सप्रेस करने की कोशिश करो अपने इमोशंस को। उनसे स्टबन होकर, जिद्दी होकर, गुस्सा करके आपका बात, आपका काम बनने की जगह काम बिगड़ सकता है। तो प्यार से, अगर कोई आपसे नाराज है, आपके पार्टनर हैं या आपके, जैसे कि आप किसी के साथ रहते हैं अपने लव लाइफ में, समझो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, उनके साथ कोई नाराजगी है तो पेशेंसली उन्हें हैंडल करो। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो अपने पार्टनर को पेशेंसली, शांति से आप हैंडल करने की कोशिश करो, ना कि आप एकदम स्टबन हो जाओ, जिद्दी हो जाओ। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो डेफिनेटली आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट करो, जो फैसला आप ले रहे हो उस फैसले पर टिक कर चलो, बार बार इधर से उधर मत हो जाना फिर, ठीक है। सो यदि आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई स्कॉर्पियो राशि वालों, तो मस्त वाला लाइक चिपका देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सबका बटन ऑप्शन है यहाँ पर। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए वीडियो का, आपको वीडियो की स्क्रीन पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलते अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।